ये जीव ब्रह्म को भूल गया और अन्य उपासनाओं में पड़ गया, भगवादों में पड़ गया, ना संत मिले ना सदगुरु मिले, तो फिर ये जीव को याद कैसे है? ये और कोई जगह है नहीं जहां याद आ जाए। लेकिन मन ऐसा फूटा वहां से, इसकी कीमत घट गई, था तो हीरा लेकिन कांच जैसा बन गया, कोड़ी जैसा बन गया, तो इसकी कीमत क्या होगी फिर? तो सदगुरु कहते हैं गिरी फूटे न को क्या करे, मन फूटा चित भंग है, साध गए तो क्या होते हैं जिनके चढ़े न रंग है। जैसे रंग फूट जाए तो उसकी कीमत नहीं होती है, ऐसे ही मन भी फूट गया, भंग हो गया, तो कहते हैं फिर संत मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, जब यू है ही भंग है तो फिर क्या होगा इसका, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। और आपको सत्संग मिल गया, आप सत्संग में बैठे हैं, तो सदगुरु कहते हैं वहां रख दो इसको। फिर कहते हैं चलो एक संदूक है वो बहुत अच्छी बात से बना ली और उसमें फूटा हुआ नग रख दिया, तो क्या फूटे हुए नग की कीमत बढ़ जाएगी? तो यहाँ वार्तालाप चल रहा है जिज्ञासुओं का सदगुरु गरीबदास महाराज का। गरीब सुगर संदूक बनाए करे नग फूटा दर्दी में, साध मिले क्या होत है जरूर नहीं यकीन है। संत भी मिल गए, सत्संग भी मिल गया, लेकिन हृदय में परमात्मा का यकीन ही नहीं बढ़ा, संतों के प्रति सच्ची निष्ठा भावना सेवा ही नहीं बढ़ी, तो फिर कहते हैं इसको रखने का क्या फायदा? जैसे सुंदर संदूक बना के उसमें फूटा हुआ नग रख दिया, सदगुरु ने एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया, जैसा भी है लिया और इस मन को घेर ज्ञान में रखो इसको सत्संग रूपी संदूक में। क्यों? गरीब फूटे को जोड़ दे सतगुरु साहुकारे, और बारा पानी ब्रह्म है मन का भेद पसारे। कहते फूटे मेरे भी जोड़ देंगे, क्यों? सतगुरु साहुकार है, ये साहुकार है, यू कहीं भी भटका हुआ हो लेकिन इसने पकड़ कर फिर सब परमात्मा से जोड़ देंगे, भले ही कितना पसरा हुआ हो ये संसार में, इसको इकट्ठा कर देंगे। लेकिन जब भी सत्संग का या कहीं भी आध्यात्मिक प्रोग्राम हो, सबकी प्रॉब्लम एक ही है, समय नहीं है। संत आपको फेरी लगाने आते हैं, ज्ञान रूपी अमृत पिलाना चाहते हैं, लेकिन संसार की जो चरक मरक है ना, ये नहीं पीने देती है। कैसे? एक बार राजस्थान का इलाका था, वहां रेगिस्तान होता है, रेत चलते थे, अब तो खत्म हो गए हैं, कुआ सा होता ना, बैलों के सारे वो डब्बे से भर के आएंगे, फिर बाहर नाली में पानी गिर जाता, खेतों में चला जाता। तो एक दरोगा जी घोड़ी पर सवार होकर आ रहे थे, लंबा रास्ता था, प्यास लगी, उसने देखा कि रेत चल रहा है, सोचा पानी पी लूं, घोड़ी को भी प्यास लगी है और मुझे भी प्यास लगी है। जैसे ही रेड के पास गया तो रेड चलता, जब क्या आवाज आता है, चू 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 चीची की आवाज आती है, आवाज जोर जोर की आवाज आई, पास आते ही घोड़ी में दगी, वो भागी, दूर भागी, तो वो दरोगा भी पीछे भागे उसको पकड़ के, फिर पास आई, फिर वो चू चू की आवाज सुनी, फिर भागी, तो दरोगा ने कहा भी तू ये रेड बंद कर दे, या जो चू चू चीची की आवाज है ना, इससे मेरी घोड़ी में दगती है और पानी हम पी नहीं पाते, प्यास लगी हुई है। रेट वाले ने रेट बंद कर दिया, अब बंद कर दिया तो नीचे से पानी आना बंद, क्यों? वो तो साथ साथ खेत में जा रहा था, प्यासी घूम गई थी और धरती सोख ले, पानी नहीं खड़ा, जब पास आए तो पानी नहीं, कल भी पानी पिला, उसने रेट चलाना शुरू किया, फिर वो चू चू चीची करे, फिर घोड़ी को धर का भाग ले, तो वो कहते रेट बंद कर, बंद करे तो पानी नहीं, जब कई बार भागते रहे आते रहे, जब किसान खड़ा होकर बोला दरोगा जी इस चून चून चींची में भीगे थे, भीगे ना दोनों मरोगे। तो इसका मतलब है इस संसार के रोले में भजन बंदगी करके ना करके ना दरी में डूब गए संसार में। तो आप कहते हैं कि क्या करें इतना प्रपंच व्यापार परिवार कारोबार, हम भजन बंदगी कैसे करें? तो गरीबदास महाराज फरमाते थे शिष्यों को कि भजन तो करना पड़ेगा, भजन बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भजन कर राम
करते हैं, कहते सतगुरु की शरण ले ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो भजन के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो भजन की शुरुआत इस सत्संग से होगी। बड़ा सुंदर चोला मिला है, हो सकता फिर ना मिले। और फिर हम कैसे भी एपी हैं, खोटे हैं, खरे हैं, अवगण हैं, कुछ भी हैं, लेकिन सतगुरु की शरण में आ गए ना, और ये अमर ज्ञान, ये रियल ज्ञान सुन लिया तो मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। ये हमें साक्षात्कार का अधिकारी बना देगा सत्संग। इसकी कितनी महिमा है, कैसे जब मन ना करे तो भी आकर बैठ जाओ, भले पड़ोसी के साथ आकर तुमने मित्रता बस बैठना पड़े, लेकिन सुनोगे ना तो आपका भी कल्याण होगा। कई बार बेमन से भी सुन लिया करो, कैसे गृह सुख दे के तो गरीब भस्मासुर की वासना पार्वती के माही
करके पार्वती का गण हाथ लगा देना चाहते हैं, उनका कड़े वाला हाथ सिर पर एक ढोंगे पर, तब जाके भस्मासुर भस्म हुआ। तो गुरु सदगुरु गुरुदेव गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जय शिव से सदगुरु मिले। देखो शिव जैसे सदगुरु मिल गए थे, आत्मज्ञान दे सकते थे, लेकिन भस्मासुर भस्म हो गया क्योंकि मन की वासना ठीक नहीं थी। तो यो मन ऐसा है, संसार की ही इच्छाओं में उलझा रहता है। कोई पूर्ण सदगुरु मिल जाए तब भी संसार की वासना इसके अंदर लगी रहती है, और तब से ये मन कभी भी स्थिर नहीं होता है। तब से राज मिल जाएगा, सिद्धियां मिल जाएंगी, बहुत बड़ा प्रतिष्ठा और सम्मान मिल जाएगा, लेकिन खाली तब से मोक्ष नहीं मिलता है। ये तो नाम की कमाई से, साधना से मोक्ष होता है। गरीब तब से स्थिर नहीं होते हैं, यो मन रंग राज साहेब की नहीं बंदेगी, साजा झूठा साज। ये मन तब से भी वश में नहीं होगा, क्यों? इसमें भी राग द्वेष आ जाएगा, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, छोटा तपस्वी। एक प्रसंग सुनाते हैं सदगुरु गरीबदास जी महाराज बैठे के अंग में। गरीब विश्वामित्र सुन विस्तारा, सो पुत्र वशिष्ठ के मारा, राज ऋषि से बहुत रिजाए, ब्रह्म ऋषि से रिज रिजाए। यो भी पैदा है पैदा को जाना, हम सदगुरु बैठे यो जाना। कहते ये सब बैठे वाला है, सथाई नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है। विश्वामित्र सुन विस्तारा, सो पुत्र वशिष्ठ के मारा। अब विश्वामित्र जी राज ऋषि थे और वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि थे, तो उनको ईर्ष्या होती थी कि मेरे को ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते, राज ऋषि कहते हैं। एक दिन अपनी सेना के साथ लाल वस्त्र के साथ उनकी कुटिया में गए वशिष्ठ जी की। उनके पास रंगनी गाय थी, बड़ा सुंदर स्वागत किया, 56 प्रकार के भोग जो कुछ भी चाहिए था माँ कामधेनु नंदिनी ने हाजिर कर दी। विश्वामित्र ने सोचा कि आप तो कुटिया में गुरुकुल चलाते, आपको क्या जरूरत है, मुझे दे दो, मेरे पास तो पूरा राज है, सेना है। उन्होंने मना कर दिया, जबरदस्ती छीनने लगे तो माए नंदिनी ने हुकार भरी और अनेक योद्धा पैदा कर दिए और उनकी सेना को पराजित करके भगा दिया। अब उन्होंने तप करना शुरू कर दिया कि मैं वशिष्ठ जी से बदला लूंगा, मेरा अपमान किया है। तो वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, 100 के 100 मरवा दिए। अब एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष इतना बुरा आचरण नहीं कर सकता, लेकिन तप था तो इसलिए ईर्ष्या द्वेष पैदा होगी। और फिर एक दिन सोचा एक वशिष्ठ जी को ही मार देता। तो गुरुकुल में शाम का समय था, पूर्णिमा की रात, चांदनी रात, शिष्यों की जमात और गुरु मां बैठी थी। तो उन्होंने कहा, देखो कितना सुंदर चांद उदय हुआ, चारों तरफ रोशनी है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आज हमारे गुरु पुत्र भी पास बैठे होते, 100 के 100 मरवा दिए, ये विश्वामित्र ने अच्छा नहीं किया, हमें बहुत दुख हो रहा। वशिष्ठ जी ने गुरु मार शिष्यों की बात सुनकर कहा कि नहीं, विश्वामित्र तो बहुत बड़े ऋषि हैं, तपस्वी हैं, और उनका तप का तेज तो ऐसे ही है जैसे आज चंद्रमा की चांदनी ज्योत्सना चारों तरफ फैली हुई है। और उसी दिन विश्वामित्र जी हाथ में तलवार लेकर पेड़ के ऊपर बैठे थे कि आज रात को काट दूंगा विश्वामित्र जी को। और पहले गुरुकुलों में जो क्लास चलती थी वो पेड़ों के नीचे चलती थी, तो जब अपनी प्रशंसा सुनी तो हाथ से तलवार गिर गई, नीचे आए वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए कि मेरे से गलती होगी, मैं आपकी निंदा करता हूँ, लेकिन आप तो मेरी प्रशंसा करते हैं, आप तो बहुत बड़े संत हैं, मेरे से गलती होगी। तो वहां पर पकड़ के हाथ भुजाएं और वशिष्ठ जी कहते हैं, उठो ब्रह्म ऋषि, आपका सम्मान है, आज से आप ब्रह्म ऋषि हुए। तो उस दिन से वशिष्ठ जी के कहने से उनको ब्रह्म ऋषि कहने लगे थे, नहीं तो उनको ईर्ष्या हो गई थी। इसलिए सदगुरु कहते हैं, संत वही है जो क्षमाशील है, जो निंदा चुगली ना करे। गरीबदास महाराज के पास जाकर भी जिज्ञासु करते थे, सदगुरु अनेक साधु संत हैं संसार में, लेकिन हम किसको माने कि ये संत है? तो गरीबदास महाराज कहते हैं, सोई ईशान आगाते हैं, प्रशंसनीय है जो अपनी आत्म श्लाघा नहीं करता, अपनी शरण आता।
और दूसरे की निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, जैसे वशिष्ठ जी ने नहीं किया। काम करो हो गए थे, और जो 52 शिष्य थे वो प्रधान शिष्य थे जिनको
दादू साहब के बारे में सुना तो अकबर बादशाह काफी प्रभावित हुए कि मेरे राज दरबार में संत जी को निमंत्रण देकर बुलाकर लाओ। लेकिन उस समय बहुत सारे विद्वान पंडित और मुल्ला थिपाजी थे उनके पास। उन्होंने सोचा दादू साहब की प्रतिष्ठा ना हो जाए। राजा साहब ने उनका सिंहासन भी बिछवा रखा था लेकिन गुस्ताखी करके आसन को छिपा दिया गया। ये देखेंगे जब सारे आसन भरे गए तो दादू साहब कहाँ बैठेंगे और राजा साहब उनसे कैसे वार्तालाप करेंगे, हमारी तो ही ना हो जाए। जब दादू साहब अपने संत मंडली के साथ गए और देखा सारी सीट आसन भरे में है और अंतर्यामी थे ही, आपका आसन छिपा दिया गया है और राजा साहब सामने सिंहासन पर बैठे हैं, तो दादू साहब ऊपर उठते गए और अधर में जाकर बहुत ऊंचे आसन लग गया। दादू साहब आगे आसमान हो गए, अधर में कोई स्टैंड नहीं, कोई आसन नहीं। तब तो अकबर बादशाह उठ कर भागे आए कि हमने तो बहुत गलती कर दी, नाश हो जाएगा सारे राजकार, संतों का अपमान, उसी आसन छिपा दिया। सारे काजी मुल्ला ब्राह्मणों ने उठकर क्षमा मांगी तो वहां पर दादू साहब को उपदेश दिया था दादू साहब ने अकबर बादशाह को कि खुदा की जात क्या है, खुदा का रंग क्या है और वो खुदा कैसे मिलेगा। तो दादू साहब ने कहा था इस अले की जात है, इस अले का अंग, इस अले वो जोद है, इस अले का अंग। कहते हैं प्रेम परमात्मा है और प्रेम ही परमात्मा की जाति है। प्रेम कर लो तो परमात्मा को पा जाओगे, परमात्मा प्रेम में छिपा हुआ है। ये एक ऐसी सीढ़ी है प्रेम की, नीचे उतरोगे तो संसार में चले जाओगे, ऊपर चढ़ोगे तो परमात्मा में उतर जाओगे। अगर प्रेम अशुद्ध हो गया तो वासना बन जाएगा और ये प्रेम शुद्ध हो गया तो प्रार्थना और उपासना बन जाएगा। इसलिए ये मार्ग उन्होंने बताया। तो दादू साहब के जो फिर ये 52 शिष्य थे ये भी भिक्षा करने के लिए जाते थे। तो एक बार जयपुर रियासत में गए, जयपुर के वहां भी काजी मुल्ला पंडितों ने कहा महाराज आपके दरबार के बाहर जब ये दादू साहब के भिक्षु भिक्षा लेने आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, भिखारी के रूप में आते, इससे आपकी तौहीन होती है। बड़ा गेट था, किले का बाहर से बंद करवा दिया। पता है दादू साहब के शिष्यों ने योजन लंबा शरीर करके और एक पैर में पूरा नगर नाप दिया, महल के भीतर प्रवेश करने के लिए इतने लंबे लंबे शरीर कर लिए। कहने लगे अच्छा रसोई बंद कर दी, भिक्षा बंद कर रहे हो, तो दरवाजे खोल दिए गए, कहने लगे नगर न फूक देंगे, ये दादू साहब के तो बहुत सिद्ध शिष्य है, इनकी टक्कर मत लेना। तो वहां से फिर दादू साहब के 5 शाखाएं बढ़ गई थी, उसमें अलग अलग कैटेगरी के शिष्य थे दादू साहब के। एक तो थे खालसा जिसका संचालन गरीबदास जी महाराज ने किया। गरीबदास महाराज दादू साहब के बड़े पुत्र भी थे, शिष्य भी थे। एक तो गरीबदास महाराज है अपने सदगुरु चुनानी राम वाले, एक गरीबदास नाम अपने ग्रंथ साहब त्रिवेदी में आता है। गरीबदास कद रास मंडल करे जग में दीनी फेरी, दादू वादू सतगुरु मिलिया जिनकी मुंडी सेरी। कहते हैं गरीबदास महाराज ने कब रास मंडल करके जग में फेरी दी थी, वो तो ऐसे सिद्ध थे, उन्होंने खालसा पंथ चलाया और वहीं बैठकर उनकी पूजा होती थी। दूसरा था विरक्त, जो विरक्त रहते थे, जैसे गुरुदेव भी जंगलों में विरक्त मंडलियों में रहे हैं, जहां चाहे वहां से भिक्षा लिया है, जहां चाहे वहां लेट गए। तो उनमें विरक्तों में दादू साहब के दूसरे शिष्य थे बखना जी। सात लोग इस दिन सिद्धि में रहते कद बखना पंडित चलाया। बखना जो ग्रंथ साहब में नाम आता है दादू साहब के शिष्य थे, विरक्त मंडली में संतों के साथ रहते थे लेकिन प्रसिद्ध संत थे। तीसरी है उनकी खाखी शाखा। उस खाखी शाखा में दादू साहब के दूसरे बेटे मस्कीन दीन का नाम आता है। मस्कीन दीन कद करी रसोई कोका नगर चिताए, वाणी में आएगा मस्कीन दीन शब्द। ये दादू साहब के दूसरे बेटे थे तो सदगुरु कहते हैं मस्कीन दीन कद करी रसोई कोका नगर चिताए, उनने कब रसोई करी थी लेकिन ऐसे प्रसिद्ध जयपुर नरेश के राजा को एक डग में नाप दिया था मस्कीन दीन ने, उन्होंने खाखी शाखा चलाई। चौथी है उत्तरादे या उनको स्थानधारी भी कहते हैं। उस
उसमें संचालक थे बनवारी दास जी। और बनवारी दास के बारे में गरीबदास महाराज कहते हैं, बनवारी कद जारी की नी कद तिन गुण टेकाया। बनवारी ने कब जारी की थी, कब तिन गुण टेकाया? कहते वो तो विरक्त थे, राजस्थान की शाखा को छोड़ के भी बाहर चले गए थे, विरक्त होने में रहते थे। कोई भी त्रिगुण पास उनको बांध नहीं पाया था, ना कोई टिका पाया था। पांचवी है नागा शाखा, जिसका संचालन दादू साहब के शिष्य सुंदर दास जी ने किया था। तो गरीबदास महाराज कहते हैं, दादू किस दिन नादुल किला सुंदर खेले सारी, टिल्ला किस दिन ताल बजाई घर घर भोजन पाए। कहते हैं सुंदर किस दिन खेली सारी। कहते हैं सुंदर दास जी एक ऐसे शिष्य थे, जब दादू साहब ने शरीर छोड़ा, कोई तो रो रहे हैं, लेकिन उठे और दादू साहब का चोला पहनकर टोपी पहनकर उन्हीं के पलंग पर बैठ गए। जब कोई बंदगी करने आता तो सुंदर दास जी कहते थे, दादू बैठा है इसकी बंदगी कर लो। अपने को मिटा दिया था सुंदर दास ने, बिल्कुल वे सुंदर हुई नहीं, बिल्कुल स्वरूप दादू साहब का उनके अंदर उतर रहा था। ये काफी लंबा प्रसंग वैसे सुंदर दास जी का। तो वहां पर अनेक राजा दादू साहब के प्रभावित होकर, उनके शिष्यों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए थे। और दादू साहब जैसा उपदेश हमारे बताया उस पर चलने लगे थे, क्योंकि उपदेश एक ऐसी अगम कला है, इसके बिना ये प्राण जागृत हो नहीं सकता है। गरीब है बिना उपदेश अदम्य है, क्या जीवत है प्राण है, भक्ति बिना कठोर है नरना ही पाषाण है। उपदेश बहुत बड़ी अगम कला है, पढ़कर गरुड़ शास्त्र कंठस्थ कर लिए और अच्छे लक्षेदार शब्दों में दूसरे को प्रभावित करने के लिए आप कितनी बाणी सुना लो, अच्छे अच्छे शब्दों में सुनाओ, अरे बड़ा विद्वान है। लेकिन कहते हैं जो भीतर का जिसके भीतर सिद्धियां है, वैराग पैदा हुआ है, हर शब्द भीग के निकलता है और परमात्मा की जिस पर कृपा हुई है वही उपदेश कर सकता है, नहीं तो हर कोई उपदेश का अधिकारी नहीं होता है। और भक्ति बिना इस जीव को कहीं भी फोर नहीं मिलेगी। कितना बड़ा तपस्वी हो जाए, सिद्ध हो जाए, सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धियों का मालिक हो जाए, भक्ति बिना तो ऐसे बरमेगा कैसे? गरीब भक्ति बिना क्या कंचन पाया नहीं रावण सती बार। कहते हैं जैसे रावण तपस्वी भी था, माया भी था, बलवान था, रिद्धि सिद्धियों का मालिक था, लेकिन एक रति कंचन नहीं मिला। भगवान ने छोड़ा मैदान में उनको मार दिया, भटक के मर गया। तो इसलिए भक्ति बिना क्या होता है, गुरु को पूछो जाए अरसवा शेर अन पावते अटल राज दिया था। भक्ति की महिमा जाननी है तो गुरु को पूछो। 5 साल के जाकर जंगल में तपस्या की, माँ ने जो उपदेश दिया और नारद गुरुदेव ने जो उपदेश दिया वैसी साधना की, कहा तो 1.25 शेर जो का अर्का मिलता था और कहा भगवान ने अलग से राज्य उनका लोक रच दिया, जिसको हम धरु लोक कहते हैं। ये सृष्टि की रचना के बाद रचा था परमात्मा ने, इसलिए भक्ति की बहुत महिमा है। तो सतगुरु कहते हैं भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। फिर याद दिला देते सतगुरु भजन करो, क्या होगा भजन करने से? चमरा चूल्हा तर गए और सदन कसाई रे, गणिका चढ़ी विमान में स्वर्गापुर जाई रे। चमरा चूल्हा तर गए, रविदास जी पार हो गए, सतगुरु कबीर साहब जी सदन और कहते हैं गणिका चढ़ी विमान में, जो बिल्कुल ही निकृष्ट कर्म करती थी, जिससे सारा नगर उनसे घृणा करता था, वो गणिका भी कैसे पार हो गई? यहाँ सतगुरु छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं गणिका का। दक्षिण भारत में एक बलाद नामक नगर है, जिसमें बारमुखी नाम की एक गणिका वेश्या रहती थी। प्राय पुरुषों से उनका संबंध था, बहुत
करेंगे। तो देखा बड़ा सुंदर बगीचा है, हरा भरा पेड़ है, उसके नीचे जाकर आसन रख दिए। तो मेषा ने देखा आज कोई भी पर पुरुष नहीं आया, श्रृंगार करके बैठी थी। दरवाजे में जैसे ही बाहर देखने आई तो देखा परमहंस संतों की जमात बैठी है। हैरान हो गई, इस द्वार पर कभी कोई याचक या ब्राह्मण भिक्षा करने के लिए भी नहीं आया और आज संतों की टोली। घबरा गई, डर भी गई कि मेरा कैसा भाग्य है, मैं पास भी नहीं जा सकती। लेकिन सोचा संत आए हैं तो कुछ न कुछ देना चाहिए, द्वार पर आए हैं, आज सेवा का मौका दिया है मालिक ने। अंदर गई और एक सोने का थाल लेकर उसमें हीरे मोती भर के बाहर आई। तो उसने देखा साधु आए पावने गणिका के पास, ले संत सीधा जो कीजे निवास। दूर खड़ी है थाली भरे हीरे मोती है, महाराज ये कुछ सीधा ले लो, गाँव में सीधा कहते हैं, भिक्षा कह लो, कोई सामान कह लो, भेंट कह लो, लेकिन जो आम हमारे व्यक्तियों की भाषा थी उसको सीधा कहा करते हैं। और उसकी दासी निमंत्र दिया जा करता, मेरा नहीं संतों आपका है। संतों ने कहा बेटी तू कौन है और ये घर किसका है? तो कह लगे महाराज ये मत पूछो, बस भिक्षा ले लो। कह लगे बिना जाने हम भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं और सब जगह लेनी भी नहीं चाहिए, जहां पर बुरी मनसा से छल कपट से धन कमाया जाता है उसके लेने से पाप लगता है। तो उसने सच्ची बता दी, कह लगी महाराज मैं तो बारमुखी हूं भिक्षा, ये धन कहां से आया? कह लगे मैंने ये कपट से ही जोड़ा है। तो संतों ने मना कर दिया, कुटिल दान तुम्हारा कहो कौन खा, बोले सुरन संत हमारे ने चाह। कहेंगे तो कुटिलता से भरा हुआ धन है, हम तो नहीं लेंगे, हमारा मन नहीं है। तो कहेंगे महाराज और क्या लोगे, भोजन भी नहीं कर रहे हो, चाय पानी भी नहीं ले रहे हो, और कोई ना कोई तो बात है जो मेरे दर पे आ पाए हैं। पूरा जन्म मेरे संतों का दर्शन नहीं किया था, बड़ी कृपा की ओर रोने लगी, संतों को दया आई। कहेंगे महाराज मेरे उद्धार का कोई कल्याण का रास्ता बताओ, मेरा घर काम भी आ जाए, निरर्थक ना जाए और मेरा भी कल्याण हो जाए। तो कहने लगे बेटी तू भगवान का मुकुट बनवा और भगवान जगन्नाथ रघुनाथ जी को भेंट करके आ। कहेंगे जब एक आप साधु नहीं ग्रहण कर रहे तो भगवान कैसे ग्रहण करेंगे? कहने लगे बेटी तू बनवा दो, इतने हम यही ठहरेंगे तेरे पेड़ के नीचे। उसने 3 लाख की कीमत में बड़ा सुंदर एक मुकुट बनवाया और उस समय लाखों की कितनी कीमत होती थी, आज तो अरबों खरबों है। लाख द्रव्य लागे मुकुट दर मोरार, सिर दर जगन्नाथ की जय जोहार। जब वो मुकुट बनवा लिया उसमें हीरे मोती बड़े चाव से जड़वाए और थाल में रखा और संतों ने कहा चल बेटी हम तेरे साथ चलेंगे, साथ जाकर पहनवा के आएंगे भगवान को। कहेंगे ठीक है महाराज। उसने श्रृंगार उतारा, सादे कपड़े चप्पल जूते कोई नहीं, महाराज मैं कुछ खाऊं पीऊंगी नहीं, और भीतर से बैराग जगा आज मेरा सौभाग्य जगा है, परमात्मा को मैं दर्शन करूंगी, मेरे पतिता का भी उद्धार हो जाएगा। संतों को दंडवत की बेटी खाली मुंह नहीं चलना है, यह मंत्र है इसका जाप करती चल और वहां जाते जाते तू पवित्र हो जाएगी। क्यों ये मंत्र तो ऐसा है हजारों मन घास का ढेर पड़ा और एक चिंगारी आके लगा तो सारा नष्ट हो जाएगा। महाराज मेरे पाप भी बहुत हैं, इस छोटे से मंत्र से कैसे नष्ट होंगे? तो सदगुरु कहते हैं मानव जिंदगी आग की बड़ी पुराने घास, जब पुराने घास में एक चिंगारी लग जाए भस्म हो जाएगी। अब कितना पुराना घास हो तो तेरे कितने ही बड़े पाप हो सबके सब भस्म होंगे। वो नाम जपती जपती रोती हाथ में मुकुट है, संतों के साथ कीर्तन करती करती जा रही है भगवान के मंदिर में। तो सदगुरु कहते हैं वैसा भी संबर किए हैं जो याद, पूर्ण करो मेरी साहेब मुराद। वो भगवान को याद करती जा रही है, प्रभु मुकुट तो लेकर आ रही हूँ, पतिता समझ के स्वीकार मत करना। जब याद
याद करते हैं ना, याद का उल्टा क्या होता है? दया। जब याद करोगे तो उसको दया आएगी, जब रोती है रिश्तेदारी है। चले संत में शरीर से ले गए। कहते हैं गरीब आदम उदार
तीसरा है संत, जिसको जीवन में ये तीन मिल गए उसका तो उद्धार पक्का है, 100% है, वो बदल नहीं सकता, गारंटी है ये। आप कहते हैं क्या गारंटी है तरने की, जिसको तीन चीज मिल गई उसकी गारंटी है, संत नाम और भक्ति। अरे ये अलग अलग नहीं, एक ही है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वो एक, तीन के पद पंकज लिए नासे मिलन अनेक, भक्ति भगत और भगवंत और गुरु ये चारों चीज एक ही होती है। और आप कितने सौभाग्यशाली हो, संत मिल गए, इनका नाम मिल गया है ना, और भक्ति मिल गई, तो इसका मतलब अब मत घबराना, गारंटी है पक्की पार होंगे, कोई अंकुरी में नहीं जाएंगे, हमने तो सदगुरु की नगरी में जाना है, क्यों साहेब से थी दोस्ती, संतों से थी प्यार प्यार, और जिनको शंका है नहीं धर्म राय दरबार, शंका होगी उनको जिनके गुरु नहीं है, नाम नहीं है, भक्ति नहीं है, जिनको सदगुरु मिल गया उसको शंका नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके अंदर इतनी निष्ठा होनी चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए कि परमात्मा दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाए, खुश हो जाए। तो ऐसी निष्ठा हमने अपने अंदर बढ़ानी है, प्रेम में परमात्मा है, प्रेम में के बिना मालिक मिलता नहीं है। जीवन में कुछ चाहो ना चाहो लेकिन भक्ति पदार्थ मांगना, क्योंकि भक्ति नशीली मुक्ति की, और सत चढ़े हैं धा जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता, ये चोला मिला है भक्ति यद कर बांधिया, घटना भी घटमाई, और बिन साहब की बंदगी साई पावे नाई, ये जो चोला दिया ये भक्ति के लिए दिया है कहते हैं, लेकिन बिना संतों की कृपा के साई नहीं मिलेगा, तो ये भक्ति नशीली मुक्ति की है, और अब आलस करके तो करके जन्म जन्मों तक पछताना पड़ेगा, और अब पैर रख दिया तो पहुंच ही जाओगे, परमात्मा कृपा कर ही देंगे, तो ऐसा सरल मार्ग है भक्तों पे कृपा करने के लिए। संत बार बार इस संसार में आते हैं और बीच बीच में गुरुदेव फेरी देने के लिए आ जाते हैं, सावला गांव में सब जीवों को जगाने के लिए, कि भक्ति का तार टूट ना जाए, सेवा निष्ठा अपने प्यारों की ऐसे ही बनी रहे, धर्म कर्म करके अपनी सदगति को प्राप्त हो, तो ये संत इस नगरी में बार बार फेरी देने के लिए आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को जो बूटा लगा दिया है वो भक्ति प्रेम क्या जल डालकर सींचने के लिए आते हैं, इसलिए ये बगीचा इसी प्रकार सदगुरु का हरा भरा रहे, ये भक्ति भक्ति फूलती रहे। मैं अभी एक भजन बोलूंगी, साथ साथ सुनूंगा।